हेलो एवरीवन, चेक करते हैं करेंट फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन। ओके, ये पर्सन इस एनर्जी में राइट नाउ, जहाँ पर ये पर्सन रिस्पॉन्सिबिलिटी से, अपनी जिम्मेदारियों से बचने की कोशिश कर रहे हैं, भागने की कोशिश कर रहे हैं। सीरियस कमिटमेंट से, शादी से, मैरिज से, रिस्पॉन्सिबिलिटी से ये पर्सन मुझे बचने की कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ओके, इस पर्सन को राइट नाउ इनकी फ्रीडम प्यारी है, इनकी आज़ादी चाहिए, इनको फन करना है, मज़े करना है। ये पर्सन अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं समझ रहे हैं। किसी तरह का फाइनेंशियल इशू हो रहा है, चल रहा है। आपके कनेक्शन में मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपको इग्नोर कर रहे हैं, भाव खा रहे हैं, आपको इग्नोर किया जा रहा है। इनको चेस मत कीजिए अगर आप कर रहे हो तो। ओके, जो आप चाहते हो इनसे वो आपको मिलते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, पर अपने वक्त पर, एक सही समय पर। आपकी यूनियन भी और जो आप चाहते हो वो भी आपको मिलेगा, पर एक राइट टाइम पर। आपको किसी से, आपको देखिए, प्यार ना एक मंगने वाली चीज़ नहीं है, जिसको आप मंगे सामने वाले पर्सन से कि वो आपको दे, आपको टाइम दे, आपको वक्त दे। जो रियल में आपका ट्रू लव होगा, वो ना ऐसे कंडीशन सिचुएशन आने ही नहीं देगा जिसमें आप उनसे मंगो। ओके, आप उनसे मांगो कि मुझे वक्त चाहिए, मुझे प्यार चाहिए, मुझे कमिटमेंट चाहिए, मुझे मैरिज चाहिए, बिना बोले सारा कुछ ये पर्सन आपको देंगे। ओके, तो ये मंगने वाली चीज़ नहीं है। अगर आप ऐसा कर रहे हो तो स्टॉप हो जाइए। ओके, स्टॉप हो जाइए, तभी सामने वाले पर्सन को समझ आएगी आपकी वैल्यू होगी, तभी वो पर्सन आपको समझेंगे। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में आइए। ओके, खुद की वैल्यू समझिए, खुद का रिस्पेक्ट कीजिए। तो ये आपकी रीडिंग, लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। बाय गाइस।